सब तो पहला वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिवें कि तुहानू सब नू पता ही है कि लुधियाणे विच इन्नी वड्डी घटना जिहड़ी वापरी है वह देख के जिहड़ा दिल है ना वह छलनी छलनी हो गया। कल ही 20 अगस्त नू मैं खबर सुनी सी कि एक छोटा जिहा प्यारा जिहा मुंडा लुधियाणे का, जो कि तुसीं समझ लो 7-8 सालां दा होगा, तो खबर सुनी कि वह लापता है। चलो बंदा थोड़ा तसल्ली कर लैंदा है कि लापता है, इधर उधर गुम गया होगा, गवाच गया होगा, तो उन्हें लभ्या जा सकता है। तो परिवार वालों की वीडियो देखी सी मैं खुद शेयर की इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मेरा छोटा जा न्याणा है, मैनू भी पता है कि कितना बड़ा दुख है कि अगर छोटा जा न्याणा तुहाडा कितने लापता हो जाए। बहुत ही जिहड़ी माँ सीगी उहदी, जो भी रिश्तेदार वीडियो नज़र आए थे, बहुत मतलब परेशान सी कि साडा न्याणा इन्ने मुश्किल बच्चा पालीदा वड्डा करीदा। तो वो देख के मैं फटाफट वीडियो शेयर की, तो मैं लग्या कि चल शायद मिल जाएगा, बच्चा छोटा हैगा मिल जाएगा। बट आज ही 21 अगस्त को खबर आई कि वो बच्चे की मृत्यु हो गई है, बच्चा मतलब नहीं रहा दुनिया च। तो मेरा तो दिल उत्थे ही मतलब मेरा हैरान हो गया, मैं कहा दुनिया नू देख के कि यह हाल है अज्ज दे रिश्तेदारां दा। तो रिश्तेदार कहिंदे आ कि उहदा वड्डा जिहड़ा ताया सीगा, पहला तो उन्हें झूठी स्टोरी बनाई कि मैं कितने गया सीगा, पिछा करता पिया सी साइकल दा मेरा, तो मैं उन्होंने लै के कितने नहर के किनारे कहिंदा मैं लै गया सीगा उन्होंने, तो उत्थे मैं फ्रूट लेना सीगा, तो मैं उत्थे छड़ के गया, तो वो पिछों गायब हो गया। तो उन्हें यह झूठी स्टोरी पहला तो दसी, क्योंकि उन्होंने परिवार च कहिंदे आ कि आपस च लड़ाई दा मतभेद चलते रहिंदे ने, तो वह सीगे उन्होंने। तो पर मतभेद इन्ने ना करो, इन्ने मतलब विच तुसी रिश्तेदारां नू मतलब अपने रिश्तियां तक रखो, भरा भरा लड़ रहे ने ठीक है, पर तुसी उहदा जिहड़ा बदला तुसी बच्चे नाल लवोंगे छोटा जिहा, शर्म आनी चाहीदी है एवें दे रिश्तेदारां नू ते एवें दे लोकां नू। एवें इह हाल हो गया अजकल दी दुनिया दा, मतलब विश्वास ही टुटदा जा रहा अज दी दुनिया च। तुसी छोटे जिहे न्याणे नू तुहाडा दिल, तुहाडा पत्थर दिल जिहड़ा सीगा उह तुहाडा छोटा इन्ना तुहाडा न्याणा देख के तुहाडा हिलिया नहीं कि तुसी की करन जा रहे हो, तो तुसी उह बच्चे नू तुसी नहर च गेरता। लानत है इस बंदे नू ते जो जिन्हें यह हालत कीती है, तो इहदा परिवार दा यह हालत कीता। मैं वीडियो देखी परिवार की, मतलब कोई शब्द ही नहीं है, प्यो बेचारा जिहड़ा सीगा मैं देखा वह कहिंदे कि दरवाजे ते खड़ा सुन पिया, वह इंतजार करता पिया बच्चे का अपने। तो दसो तुसी यह हाल है तुहाडा लोकां दा, जिहड़े तुसी इन्ने तुसी अपने रिश्तेदारां च अपने भरा भरा की लड़ाई से तुसी बच्चे का नुकसान करता। मतलब दुनिया इन्नी परेशान सी कि लोगों ने फेसबुक पर सब ने शेयर करती वीडियो कि बच्चा लभ जाए, तो तुसी उन्हूं यह नहीं देखा कि एक आम जिहड़े बाहर दे लोग ने वो इन्ना सोच सकते ने कि बच्चा लभ जाए, तो तुसी भरा दा हो गए घर दा उजाड़ता तुसी एक चिराग। यह हाल है तुहाडे लोगों के, तुहानू शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि तुसी बच्चे का यह हाल करता। पर उस बंदे नू फड़ के उत्थे ही नहर च डुबाना चाहिए जिन्हें वो हाल किया उस बच्चे का। की हुण परिवार के जोगे रह गया दसो, विश्वास अमृतधारी बंदे, मतलब उन्हां दी माँ मैं देखी अमृतधारी, तो इन्ना रब ते विश्वास करन वाले, तो दसो हुण तुसी यह हाल किया उन्हां बंदियां दा, की रह गया उन्हां दे हाथ, उन्हां दा तुसी चिराग ही हथों लै लिया उन्हां तों। तुसी कुछ अपनी परसनल रंजिश है, तुसी गल करो परिवार च, बंदे बैठो उन्हूं सही करो, पर तुसी ए नहीं है कि तुसी बदला लैन वास्ते अजकल तुसी अपने घर के चिराग नहीं उजाड़ दो। तुहाडा भी चिराग सी की पता तुहाडे अगे आके तुहाडा ही काम आंदा, वो तुसी अपने चिराग नूं घर के बंदे नूं खत्म कर दोगे। एक आम बंदा जिहड़ा ना वो किसी बाहर के बच्चे नूं भी अगर कोई किधर खो गया होवे ना तो उन्हूं लभन की कोशिश करदे आ, ते तुसी इन्नी तुहाडी रंजिश वध गई अजकल दे लोकों कि तुसी उस बच्चे नूं भी खत्म कर दोगे। बहुत माड़ी गल है, रब तो डरो, रब तो अगर तुसी नहीं डरोंगे ना तो तुहाडा यह हाल जिहड़ा दुनिया ज कलयुग जिहड़ा आ गया ना, यह पता नहीं हुण कित्थे तक दुनिया जाएगी, की कर रही है, विश्वास नहीं रह गया। हुण तुसी किसी रिश्तेदार ते अपना विश्वास नहीं कर सकते, तुसी हुण 100 वारी सोचोगे कि तुसी अपना बच्चा या अपना कोई भी फैमिली मैंबर किसी रिश्तेदार के घर भेजन लई 100 वारी सोचोगे। यह लाजमी है सोचना, क्योंकि एक मन के अंदर अगर तुहाडी यह चीज़ आ गई ना कि यह हाल होया एक लुधियाणे च रहने वाले छोटे बच्चे दे नाल, भावें हुण जो मर्जी रिश्तेदार होवे, हुण तां सिर्फ अपने माँ ते अपने प्यो लगा लो, यानी कि दादा दादी या नाना नानी ते ही विश्वास कर सकते हो, उस तो बाद तुसी किसे ते विश्वास नहीं कर सकते, या जो घर दे रिश्ते ने तुहाडे।
ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋਗੇ ਹੀ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸੋਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਚਿਰਾਗ ਐਵੇਂ ਖੋ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੇਜ, ਸਾਰਾ ਅਖਬਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਜੀਣ ਲਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਪ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਸਭ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੇਖਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਾਇਓ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ।